जिला कारागार में महिलाओं की नकारात्मक प्रवृत्ति को समाप्त कर सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए परिसर में नवनिर्मित भोजन कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने फीता काट कर किया। भोजन कक्ष का निर्माण समाज सेवी पीएल शर्मा द्वारा कराया गया। जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा ने बताया कि नवनिर्मित कक्ष में एक साथ बैठकर महिला बंदी भोजन करेगी। कक्ष में बेंच, स्टील की थाली, गिलास, चाय गर्म करने के लिए 25 लीटर की केतली, हॉट बॉक्स और बर्तन साफ करने के लिए सिंक बनाई गई है। माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय की प्रेरणा से और आपके सहयोग से नारी बंदी निकेतन में महिला बंदियों के खाने के लिए एक सुगम हाल की व्यवस्था की गई, जिसमें बैठ करके गर्म खाना खा सकेंगी थालियों में और वाश बेसिन पे हाथ धुल सकेंगी। ये माननीय जिला मजिस्ट्रेट श्री एनजी रवि कुमार साहब की प्रेरणा से एवं प्रयास से ये आज कार्य सफल हो सका है, जिसके लिए साहब के हम लोग ऋणी हैं और आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अंदर महिला बंदियाँ हाल में बैठ करके भोजन करेंगी और अपने थाली और गिलास के साथ, और उसमें गर्म खाने के लिए हॉट केस रखे गए हैं, उसमें खाना गर्म रहेगा, उसे निकाल के खाएंगी और वाश बेसिन पे हाथ धुलेंगी और थाली धुल करके रख लेंगी वहीं पे। उसके लिए भी साहब ने निर्देश दिए हैं कि उसके लिए पंखा लगाया जाएगा और बाद में जो है पॉलीथीन के वो लगा करके उसमें वो कूलर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जिला जेल में बंद महिलाएं अब तक प्लेटों में ठंडा खाना खाया करती थी। अब भोजन कक्ष का निर्माण होने से महिला बंदी घर की तरह स्टील के बर्तनों में गर्मा गर्म खाना और गर्म चाय पी सकेंगी। जिलाधिकारी की पहल पर एक समाज सेवी ने भोजन कक्ष का निर्माण कराया है। भोजन कक्ष का उद्घाटन होने के बाद महिलाओं ने खाना खाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जेल में बंदियों की सुविधाओं के लिए कई कार्य कराया जाना भी प्रस्तावित है। इसमें गौशाला और बैरकों में अलार्म सिस्टम लगाने जा रहे हैं। जेलों में लाखों रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही हर बैरक में अलार्म लगाया जाएगा, जिससे किसी भी घटना के तत्काल बाद बटन दबाने पर गेट पर जानकारी हो सके। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।